लेकिन करना चाहिए असल अपन ने इस्खारा कर लिए और फिर मतलब उसको ऐसा यस नो ऐसा समझना कैसा उसको कि यार ये यस यस बोल रहे या नो बोल रहे ऐसा थोड़ा कैसा आना समझना भाई ने सवाल किया कि इस्तारा कर लिए लेकिन अब समझना कैसा कि ये यस है या नो है यही तो मसला है यस इस और नो नहीं है इस्तखारा एक दुआ है ये दुआ यकी तकदीर को भी नहीं बदल सकती लेकिन ये आजीजी करने से बंदा अपने रब को बड़ा मानता है अपने छोटा होने का इजहार करता है तकदीर पर अपने ईमान का दावा करता है अल्लाह इसका जो तू करेगा वो तेरे तरफ़ से बेहतर फैसला होगा और वो दिली एतबार से मुइन हो जाता है और फिर उसके बाद कि हर काम में अपने रब की रज़ा मानता है तो लिहाजा आपको इस्तारा करना है उसके बाद आप ना और हाँ के बीच में तो मशवरा लीजिए किसी इंसान से जो उस मसले के अंदर दीन का इल रखते हुए दुनिया का इल रखता है और उसके बाद तवक्ल करके उस काम पर चल गुजरिए यही इसखारा है एक्चुअली इस्तारा कोई ऐसी चीज नहीं है कि दो बटन है कि वो लाइट चालू होने वाला कि इस्तेखारा करके खड़े क्या यस और नो नहीं इस्तखारा एक तरह का अमल है कि अल्लाह आगे क्या होने वाला मैं नहीं जानता हूं तेरी ही एक जात है जो सब कुछ जानती है आगे क्या होने वाला तू ही खैर का देने वाला तू ही शर का देने वाला है इस मसले में मेरे लिए खैर कर दे अब जो मैं करने वाला हूं समझ रहे आप उसके बाद कर गुजरिए वो काम आपको जो लगता है आपने सोचा बच्चे को ये स्कूल में डालो ये स्कूल में डालो इस्तारा किया दिल एक तरफ माइल हुआ नहीं हुआ लेकिन दुनिया में अतबार से क्या दिख रहा है इधर के अपनी फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है फीस भरने की उधर की अपने वो भी है चलो किसी इंसान से भाई भाई साहब आप इल्म रखते हैं स्कूलों का इसका ज़रा मुझे बताइए उन्होंने कहा ये है तो आप पुख्ता होते जा रहे हैं एक तरफ आपका दिल था फाइनेंस की वजह से आप सेकंड स्कूल में जाते फर्स्ट महंगा था उसके बाद किसी आदमी ने बोला वो सेकंड स्कूल ज़्यादा अच्छा है पढ़ने वाले बच्चे तो कहीं भी पढ़ते भाई कोई जरूरी नहीं बहुत अच्छा स्कूल जहाँ भी आप डाले आपने कहा नहीं ये बात भी अच्छी दिख रही फिर आपने सोचा नहीं सेकंड स्कूल बेटर है अजम कर लीजिए पुख्ता अदा कर लीजिए और चले जाइए स्कूल में डाल दीजिए बच्चे को अब जो भी हो अल्लाह की तरफ से तो को राइट और नो बोलकर आपको कोई जवाब नहीं आने वाला है ये बात याद रख लीजिए बहुत सारे लोग इसी में वेट कर करके तीन तीन चार चार महीने से वेट कर का जवाब आने और मसला बहुत बड़ा नहीं है ऐसे कई डिसीजन दिन में लेना है ना फिर एक आदमी जो मैनेजरियल पोजिशन पे पचास डिसीजन दिन में ले रहा आप कितने इस्तेखारा करेंगे समझ रहे लेकिन इस्तारा वो मामले में जहां दिल परेशान होता है तो जब इंसान दुआ करता है तो अल्लाह को कारसाज बना के मसला छोड़ता है अल्लाह बस अब तू सब कुछ मैंने कर लिया आप अब जो होता है इसके बाद वो कहता है मेरे रब की तरफ से था मैंने चूँकि इस्तेख़ारा ये काम किया तो नो या यस बोल के कोई डिसीजन नहीं आएगा आपको तय करना है उसके बाद हो सकता है अल्लाह गाइड करे किसी भी ज़रिए ख़बर के जरिए हालात के जरिए मामलात के जरिए स्टेटस के जरिए आपके आपकी कंडीशन से पता चल रहा कि है कि हाँ ना दुरुस्त नहीं है फिर भी आपने किया था इसखा आप उस चीज़ को वो कीजिए फिर जो भी तय करे आप फैसला मुशावरत के जरिए मशवरे के जरिए आजम कीजिए पक्का तवक्कुल कीजिए फिर कर गुजर फिर मत सोचिए कि यार वो पहले यार गलती हो गई नहीं वो सब सही था इसलिए कि आपने अल्लाह से रहनुमाई तलब करके वो काम किया था लेकिन ऐसा यस या नो जैसी कोई चीज़ नहीं आने वाली है इसके हो सकता दिल में कभी बात आ पॉसिबल ख्वाब भी कभी आ जा पॉसिबल ज़रूरी बिल्कुल नहीं है सुनने से साबित भी नहीं कि ऐसा होता लेकिन हो सकता अल्लाह इसी भी रहनुमा दिल में बात आ रही यही करना चाहिए यस गो ऑन दिल में था यही करूं फिर भी इस्ते किया चलो उस तरफ बढ़ते हैं अब अल्लाह की मदद है क्योंकि आपने अल्लाह से मदद मांगी और रहनुमाई मांगी है दुआ किए आप कर गुजरिए उसके लिए कोई यस या नो जैसा रिप्लाई नहीं आने वाला